टुडे ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिगोंग, जिसे हम लोग हिंदी में समुद्री गाय के नाम से जानते हैं, या कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। वीटी श्रेणी 1 का जीव होता है। खास बात यह है कि यह समुद्र में पाए जाने के बावजूद यह शाकाहारी होता है। यह समुद्र की घासों और वहाँ के छोटे मोटे पेड़ पौधों से ही अपना भोजन करता है। साथ ही साथ यह स्तनधारी भी जीव होता है, जिसकी वजह से इसे हम लोग समुद्री गाय के नाम से जानते हैं। मानव अधिवास के कारण जो है समुद्री घास में कमी हो रही है, जैसे रासायनिक प्रदूषण से समुद्र की घास घटती जा रही है। समुद्र के छोटे छोटे पेड़ पौधे वो खत्म होते जा रहे हैं। तेल व मांस के लिए भी इनका शिकार किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी संख्या में लगातार काफ़ी कमी आती दिख रही है। इसे वन्यजीव संरक्षण 1972 अधिनियम की अनुसूची 1 के अधीन विविध संरक्षण दिया गया है। विश्व के कई भागों में समुद्र तटीय क्षेत्रों में यह पाया जाता है। यह साइरेनिया जीव वैज्ञानिक गण का सदस्य है, जिसमें 4 जीव वैज्ञानिक जातियां पाई जाती हैं। डिगोंग इस गण के अधीन डिगोंगिडाई नामक कुल की इकलौती जीवित जाति है। इस कुल में स्टेलर समुद्री गाय नामक एक अन्य जाति भी शामिल है, लेकिन उसका इतना शिकार कर लिया गया है कि वह 16वीं शताब्दी में ही विलुप्त हो गई। साइरेनिया गण में डिगोंग के अलावा 3 मैनाटी जातियाँ भी हैं। डिगोंग प्रजाति, जिसका हजारों सालों से तेल तथा मांस के लिए शिकार किया जा रहा है, यह एक लंबी आयु की जाति है। औसतन डिगोंग 70 वर्षों के लिए जीवित रहते हैं। इनके प्रजनन की गति जो है धीमी होती है, इससे इनकी संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। औसतन 70 वर्षों में जीवित रहने वाले ये जीव, जिनकी संख्या में बढ़ोतरी धीरे धीरे हो रही है, लेकिन इनके तेल और मांस के लिए इनका शिकार काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है, जिससे इनकी संख्या भी धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है। आदि इन सभी कारणों से यह एक असुरक्षित जीव घोषित कर दिया गया है। कई स्थानों पर इन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि भारत की चिल्का झील में भी इसका संरक्षण किया जा रहा है। इनका वैज्ञानिक वर्गीकरण, जगह जो होता है जंत के अंतर गया जाता है। इनका जो संघ होता है वो रज्जुकी संघ में आते हैं। इनका जो वर्ग होता है वो एक स्तनधारी जीव होते हैं। इनका गढ़ जो होता है वो साइरेनिया होता है। कुल जो होता है इसको डिगोंगडाई के नाम से जाना जाता है, जो कि 1821 में इसे खोजा गया था। और इसका जो उपकुल होता है वो इनका उपकुल भी हो डिगोंगडाई होता है, तथा इनका जो वंश होता है वो डिगोंग होता है। इनकी जाति भी डिगोंग होती है। तो या था डिगोंग या समुद्री गाय के ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल। अगर आर्टिकल पसंद आए तो थम्स अप करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को शेयर करना न भूलें। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। अगर हम डिगोंग के वेट की बात करें तो इसका जो वेट होता है 300 kg का होता है। पोषक स्तर जो होता है उसे हम लोग ओमनिवोरस के नाम से जानते हैं। इनका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो डिगोंग के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम डिगोंग डिगोन के नाम से जाना जाता है।